तुम्हारे पिछले वीडियो में कई सारे भाई लोगों ने हमें कमेंट किया था कि सर आधार सेंटर कैसे ओपन करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप कि क्या प्रोसेस है, क्या उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा, और साथ ही में दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको आधार सेंटर लेना है तो इसके लिए आपके पास एक सीएससी आईडी होनी चाहिए। उसके बाद से दोस्तों अगर आप सीएससी आईडी ले चुके हैं तो आपके पास एक एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों बैंकों में किसी भी बैंकों का एक ग्राहक सेवा केंद्र आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो आपको कैसे सीएससी आईडी लेना है। दोस्तों सीएससी का जो आईडी लेना है उसका जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो बंद हो चुका है, उस पे आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों आपको सीएससी आईडी लेने के लिए आपको अपने जिले के सीएससी ई गवर्नेंस के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं मतलब कि जिला प्रबंधक हैं उनसे आपको बात करना होगा, और बात करने के बाद से दोस्तों आपको बताना होगा कि सर मैं सीएससी का आईडी लेना चाहता हूं। तो दोस्तों पहले क्या था कि ये जो सीएससी का आईडी था वो ओपन रजिस्ट्रेशन था, जो भी उसमें अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देते थे उनको तुरंत उनको सीएससी की आईडी मिल जाती थी। दोस्तों उसमें से कई सारे लोग हैं जो एक्टिव हैं, जो काम कर रहे हैं, दोस्तों उनमें से किसी को कोई आईडी बंद नहीं होगी, और जो लोग उसपे सिर्फ रजिस्ट्रेशन किए थे, अपना आईडी जनरेट कर लिए थे और काम नहीं कर रहे थे, उन सभी लोगों का आईडी जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो दोस्तों जो उन लोगों की आईडी डीएक्टिवेट हुई है उन लोगों का आईडी जो है, जो भी इसके लिए इच्छुक हैं, जो भी करना चाहते हैं इसमें काम सीएससी में, उन लोगों को सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा उनको ये कोड प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने जिले के सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आपको बात करना पड़ेगा। दोस्तों बात करने के बाद से जब वो आपको सीएससी की आईडी पासवर्ड मिल जाती है तब जाके दोस्तों आपको अपने नजदीकी कहीं भी एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक में जाना है और वहां पे एक करंट अकाउंट ओपन करना है, और करंट अकाउंट ओपन कराने के बाद से आपको वहां पे ग्राहक सेवा केंद्र मतलब बिजनेस करस्पोंडेंट का फॉर्म सबमिट कर देना है। दोस्तों 1 महीने के अंदर आपका ग्राहक सेवा केंद्र का जो प्रोसेस है वो टोटल कंप्लीट हो जाएगा और आपके सीएससी सेंटर पे एक ग्राहक सेवा केंद्र मतलब कि बिजनेस करस्पोंडेंट का भी काम शुरू हो जाएगा, जिससे कि आप सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, मनी ट्रांसफर, कैश विड्रॉल मतलब जितनी भी बैंकिंग सुविधाएं हैं सारी आपके उस सीएससी सेंटर पे चालू हो जाएंगी। दोस्तों दोनों चीजें जब आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तब आप अपने सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करके वो आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक देंगे जिसपे आप आधार सेंटर का ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि आधार जो सेंटर है उसका जो टोटल जितना भी क्राइटेरिया है वो क्या क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो आपका सीएससी आईडी है जो आपको मिल जाएगा आपके सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से। दूसरा दोस्तों है आपका कि आपका बिजनेस कोरस्पोंडेंट मतलब ग्राहक सेवा केंद्र एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक होना चाहिए, जो कि आप उस बैंक से जाके ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ तीसरी चीज सबसे बड़ी क्या है, वो ये है दोस्तों कि आपके पास एनएसई मतलब दोस्तों एनएसई एक संस्था है जो आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर का एग्जाम कराती है। दोस्तों एक बात आप समझिए, अगर आप ऑपरेटर का एग्जाम पास करते हैं तो आप सीएससी संचालक नहीं बन सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर सीएससी संचालक बनना है तो आपको एनएसई से सुपरवाइजर, आधार सुपरवाइजर का एग्जाम पास करना पड़ेगा। दोस्तों उसका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरा जाता है, उसका वेबसाइट का जो लिंक है वो भी हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां से उसको ओपन करके उस फॉर्म को भर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप उस फॉर्म को नहीं भर पाते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको वो भी स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि उसका फॉर्म कैसे ऑनलाइन भरा जाता है। दोस्तों उसको फॉर्म को भरने के बाद से उसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, और एग्जाम जो है दोस्तों वो 100 अंक का होता है। उसमें से दोस्तों अगर आप 50 अंक से ऊपर अगर पाते हैं तो आपको सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिलता है, और दोस्तों अगर 50 अंक से अगर कम पाते हैं तो आपको ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिलता है। तो दोस्तों अगर आप ऑपरेटर का सर्टिफिकेट पाते हैं तो आप किसी दूसरे आधार सेंटर पे जाके काम कर सकते हैं, आप वहां पे आधार संचालक नहीं बन सकते हैं, आधार सेंटर का संचालक नहीं बन सकते मतलब कि आपको आधार सेंटर का काम नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपको आधार सेंटर का काम करना है तो उसके लिए आपको सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट आपको पाना पड़ेगा, उसके लिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा।
दोस्तों ये सारी चीजें जब आपके पास कंप्लीट हो जाए तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कॉल करें, वो आपको एक आधार सेंटर का एक लिंक भेज देंगे, आप उसको फुलफिल कर दें। अब दोस्तों कुछ मैं चीजें और बता देता हूँ। इसके लिए आपके पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस और एक जो आईज स्कैनर होता है, जो रेटिना स्कैन करता है, ये दोनों चीजें, मतलब कि बायोमेट्रिक डिवाइस और रेटिना स्कैनर, ये दोनों डिवाइस, लैपटॉप, प्रिंटर, ये सारा कुछ अगर आपके पास है तो आप उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। और फिलअप करने के बाद से दोस्तों जो सीएससी के तरफ से सूचना मिली है वो जून आखिरी से ये जो काम है ये सीएससी के सेंटर पे स्टार्ट हो जाएगा। आधार जितना भी एनरोलमेंट का काम है या सुधार का काम है, सारे काम जो है उस सीएससी सेंटर पे शुरू कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, तब जाके आप आधार सेंटर का काम ले सकते हैं और अपने दुकान पे, अपने सीएससी सेंटर पे आप आधार सेंटर का भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों आपके मन में कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आप पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।